देवेंद्र सिंह कादियान ने जो प्रोग्राम सैनिकों के सम्मान के लिए किया, इसके लिए हम बहुत ही बहुत आभारी हैं। देवेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एम्बुलेंस छोड़ रखी है। लड़का समाज सेवा जो कर रहा है, जो निस्वार्थ। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास। खास बात यह कि आज गन्नौर में एक बड़ा कार्यक्रम सैनिक सम्मान समारोह करवाया गया और इसकी अध्यक्षता गन्नौर के युवा, गन्नौर के छोरा, गन्नौर का लड़का, गन्नौर का बेटा देवेंद्र कादियान के द्वारा यह आयोजन किया गया और काफी पूर्व सैनिक और शहीद परिवार यहाँ पहुंचे। इनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। आज देवेंद्र कादियान के द्वारा एक सैनिक सम्मान समारोह कराया गया, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कराया गया देवेंद्र के द्वारा, कैसा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया प्रोग्राम भाई, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था जी। पहले भी ऐसे हुआ है, आपकी बार और ज्यादा था। पिछली बार भी हुआ ऐसा? हाँ, पिछली बार भी हुआ था। 26 जनवरी को हवेली में हुआ था। हवेली में हुआ था 26 जनवरी ने। अच्छा, पहले भी देवेंद्र ने कार्यक्रम? हाँ, कराया था पहले भी। अब फिर ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पहले से जैसे कई पुराने साथी मिलते हैं और बहुत सारे लोग जो कभी कभी मिलते हैं सैनिक खासकर इकट्ठा होते हैं, तो कैसे लगता है? बहुत खुशी होती है, बहुत आपस में मिलते हैं। हमें एक रेजिमेंट के जो पहले प्रश्न आए थे, अभी मिले हैं। 78वां आज देश का जो स्वतंत्रता दिवस है, आज इसके बारे में क्या कहूँ? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। देवेंद्र के कैसा लड़का? देवेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एम्बुलेंस छोड़ रखी है, बहुत बढ़िया स्कूटी दे रहा है बच्चों को, बहुत बढ़िया काम है। सूबेदार राजवीर सिंह राठी हमारे साथ हैं, ये देखिए आज गन्नौर में जबरदस्त प्रोग्राम सैनिक सम्मान समारोह, क्या कुछ कहेंगे? ये जो आज देवेंद्र सिंह कादियान ने जो प्रोग्राम सैनिकों के सम्मान के लिए किया, इसके लिए हम बहुत ही बहुत आभारी हैं। दूसरा, आप लोग जो तहलका न्यूज वाले हैं, इनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो ये हमारे को कवर कर रहे हैं और जो पूरा संदेश जनता तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार बड़ा कम मौका होता है तमाम जो सैनिक है, खासकर आपके जो हल्के के विधानसभा के सैनिक इकट्ठे होते हैं, तो कैसा लगा आज? आज मेरे को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। जिस तरह से मैं के शुरू के अंदर जब नया नया फौज के अंदर गया था, तो मेरे अंदर भी एक उत्साह था कि मैं भी देश की सेवा करूँ। इसी वजह से आज मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज एक जिस तरह से देवेंद्र कादियान ने हमको सम्मानित किया है, और ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से एक जवान जो 17.5 साल का भर्ती हुआ था, तो आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ आपको कि मैं आज दोबारा से सेना की सेवा के लिए जा सकता हूँ। पुराने दिन लौट के आ गए, पुराने दिन में बड़ी खुशी हो रही है कि ये आप लोगों ने जो यहाँ पर सहयोग दिया है, जो देवेंद्र कादियान जी ने हमारे को इतना सम्मान दिया है, ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा से एक जवानी के अंदर आ गए हैं। क्या कहोगे देवेंद्र काम के कामों को लेकर? इसके लिए कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, शब्द नहीं है कि हम इसकी कितनी तारीफ कर सकें। ऐसा लड़का समाज सेवा जो कर रहा है, जो निस्वार्थ, जो एक हर गांव के अंदर, गन्नौर हल्के के अंदर तकरीबन 30-35 गांव आते हैं, उनके अंदर हर गांव के अंदर एम्बुलेंस देना, और जो ये सफाई के लिए जो कचरा होता है उसको उठाने के लिए, और जो पूरी मेहनत कर रहा है, ये हम तो ये कहते हैं कि ये लड़का दिन रात चौगुनी उन्नति करे। इस कैसे व्यक्ति राजनीति में है तो आगे भी जा सके? देखो, इसके अंदर पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, इसके अंदर एक बंदा आदमी को देखना चाहिए कि यह बंदा समाज के लिए और आने वाले समय में देश के लिए कुछ कर सकता है। एक युवा नेता, सोशल वर्कर, इतना बढ़िया और इतना दिल से, और एक बिल्कुल सादा, बहुत ही अच्छा लड़का है ये, बहुत ही मतलब भगवान से दुआ करते हैं कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, और हम इसके साथ में तय दिन से जिस तरह से ये समाज की सेवा कर रहा है, हम इसको बहुत बहुत समर्थन करते हैं, और जनता को भी ये कहते हैं कि इस बंदे को बहुत ही दिल से सहयोग करें। बड़े गांव से हैं और इन्होंने ये इनको देखो, गिन के देखो, मतलब हिम्मत है कि इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उतने इनाम जीते हैं, तो इन काम अपने देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे इंसान बहुत ही कम हैं जो देश के लिए इतना जज्बा रखते हैं कि हमारे एक निमंत्रण पर निसंकोच और सबसे पहले आने वाले इंसान। देवा जिस तरीके से काम कर रहा है, उसके कामों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनके कामों को लेकर वो कहते हैं ना, चांद को साई दिखाने वाला काम है,
इतने काम कर रहा है उसने, कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जिसमें उस फील्ड में जिसने उन्होंने काम ना किया हो। जैसे एम्बुलेंस है, अभी एक स्कूल और खोला हमने ये छोटे बच्चों के लिए, जो अपने अंधे बच्चे हैं और विकलांग हैं उनको खेल के माध्यम से पढ़ाई है, और ऐसी लड़कियों के लिए अकेडमी खोली है जिससे शिक्षा स्तर हमारा ऊपर उठ रहा है, बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। बात रही है जैसे इनके इनामों को लेकर, स्कूटी हैं और लैपटॉप हैं, तो मतलब हर सत्र में बढ़ावा है।